हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम से जुड़ने वाले हैं चांद जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना से बिलोंग करते हैं और अपना टेट टेस्ट देकर आ रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम चांद जी से जुड़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो उसको अभी अधिक से अधिक लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने भाइयों की हेल्प करें, तो आपको जाना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस पर संपर्क करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपने भाइयों बहनों की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और करते हैं भाई चांद खान से बात। चांद जी, आप लाइव हैं, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए दोस्तों के लिए। मेरा नाम चांद खान है, मैं एमपी मुरैना जिले से हूँ जी। मेरा हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ सर, तो बोलिए आपके साथ कैसा क्या हुआ वहाँ पे? ऐसे यहाँ पे एक दिन पहले गए थे और एक हम पहले तो ग्राम से क्या चल सकते कि हाँ हाँ फिर आगे हम लोग हाँ मार्केट का जो था वहाँ पे इंडियन नाम का लॉज है, वो मतलब कम रेट में बच्चों को दे देते हैं। अच्छा, कम रेट में, मतलब कि स्टेशन से कितने पास है? मतलब सर देते हैं 200 रुपए में और एक्स्ट्रा पर्सन हुआ फिर उसको 70 रुपए अलग देते हैं। अच्छा हाँ, मतलब फिर ऐसे पर्सन बढ़ते जाएंगे तो मतलब 70 रुपए ही जुड़ेंगे। हाँ हाँ, अच्छा कौन सा लास्ट बोल रहे हैं जरा एक बार जोर से नाम बोल दीजिए, क्या है? इंडियन होटल के नाम से सर। इंडियन होटल, स्टेशन से कितनी दूर है? सर स्टेशन से सीधे निकलते हैं तो मार्केट का, मार्केट वाला सामने रोड आता है, जस्ट उसी के सामने ही है वो। अच्छा, तो फैंस लोग आप लोग सुन लीजिए, इंडियन होटल में आप लोग को जाना रहेगा, कम चार्ज में अच्छे से निकल जाएगा, है ना? फैसिलिटी भी है और चार्ज भी 200 रुपए के समथिंग लगेगा। चलिए ठीक है। हाँ सर, हम टेस्ट देने गए थे पहले तो ग्राउंड में वहाँ पर कल पानी पड़ रहा था भयंकर। अच्छा, आसनसोल में पानी गिर रहा है इस समय? हाँ कल पानी पड़ रहा था आसनसोल में, तो पहले तो बैठा रखे थे 7 बजे 6 बजे से लेके 10 बजे तक। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद वेरीफाई करवाया था, वेरीफिकेशन। पहले तो कह रहे थे कि कैंसिल करा दो, पानी पड़ रहा है आज का। अच्छा, थोड़ी देर पानी बंद हो गया तो फिर सोचा कि कराई तो उन्होंने फिर करवा दिया। हाँ हाँ, फिर करवा दिया तो पानी फिर चालू हो गया था, वो तो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, फिर अब काम चालू हुआ था, फिर उन्होंने फिर कंटिन्यू रखा वो काम। अच्छा, वो पानी पड़ते पड़ते में पहले तो सर क्या करते थे वो मतलब ऐसे आटा लगवाते थे, सलाद कटवाते थे, जो भी करवाते थे वो अलग अलग थे उनके। हाँ हाँ, अलग अलग टच थे, फिर उन्होंने एक ही उसमें टेंट का लगा दिया था ऐसे पल्ली वगैरह का, तो उसमें एक में सब कुछ करवा दिया, मतलब तीनों चीज एक साथ देने लगे हुए। तीनों चीज मतलब समझ नहीं, हाँ, कैसे बोल रहे हो आप? तीनों चीज मतलब आप बाकी सब्जी रख देते और वो रख देते, सलाद रख देते और आटा रख देते, संगी रख देते साथ ही तीनों चीज को, पहले अलग अलग देते थे एक एक टास्क, तीनों टास्क एक साथ दे दिए थे उन्होंने। और टाइम कितना दिया था सर? सब्जी काटने के लिए टाइम था 2 मिनट। हाँ नहीं सर, हाथ लगाने के लिए 2 मिनट था, और मतलब आटा लगाना है उसमें और एक रोटी और एक पराठा गोल देना है। हाँ, और 1 मिनट 20 सेकंड का सब्जी के लिए। हाँ, और 1 मिनट 20 सेकंड सलाद के लिए था, और उन्होंने सर मुझे तो लगा 2 मिनट के लिए कहा था, पर उन्होंने 2 मिनट से पहले ही शायद सीटी बजा दी। हाँ हाँ, क्योंकि मैं घर प्रैक्टिस करके गया था काफी, फिर भी सर नहीं हुआ। और पहली बार सर उनके जो चकरा और गिन्ना होते हैं ना वो गीले रखे हैं काफी। अच्छा, क्योंकि पानी पड़ रहा था और बहुत गीले रखे वहां पर, कचरा से अभी बहुत हो रहा था, और ऐसे मतलब पानी से हाथ लगा, मतलब रोटी ऐसे बेलते हैं तो वही चिपक चिपक जाता है, आटा था ऐसे टैंक आ जाता है। तो आप लोग ने बोला नहीं कि सर हम लोगों को अच्छी प्रोवाइड कराई, आप गीले करा रहे हैं इसमें कैसे बनेगा? नहीं सर, आप एक एक के बोलने से थोड़ी कुछ होता है, सब लोग जैसे में लगे थे, और कम से कम मैं 10वां बैच था मेरा,
दसवीं बैच तक एक बच्चा ही सिलेक्ट हुआ था, यानी 400 लड़कों में 20 सीट का बैच बना रहे थे। अरे यार बहुत ज्यादा नाइंसाफी टाइप की देखी जा रही है कि आप देखिए आप बेलन नाइन हाँ साहब पता नाइन साहब इस तरीके से है कि मतलब पानी पड़ रहा है, पानी पड़ते भी बच्चों को करवा रहे हैं, और पता पानी ऊपर से भी हमारे भी बच्चे जा रहा है, भी लगे हैं बच्चे। हाँ बताइए। मतलब वो तो उनका कहना ये है कि फॉर्मेलिटी करा रहे हैं फिर। हाँ ऐसा ही लग रहा है कि फॉर्मेलिटी करा रहे हैं, बस आओ और यहाँ पे दिखा के और जाओ। माने चलो मुझे तो इससे बहुत उम्मीद थी, मतलब मैं घर प्रैक्टिस मैंने की, तुम्हारी पीटी मैंने बहुत देखी, 2 मिनट में मैंने घर पर प्रैक्टिस कर करके देख लिए थे, सब कुछ होने लगा है पूरा, फिर भी वहाँ गड़बड़ कर देते हैं, हाँ वही तो पानी अचानक गिरते। बजा देते हैं और टाइम भी पता नहीं पूरा नहीं देते, मेरे ख्याल से टाइम हुआ नहीं हुआ 2 मिनट, अच्छा मुझे ये बताइए आप चांद कि वहां पे जो करा रहे हैं क्या ऊपर कोई टंपाल वगैरह नहीं खींचा, सिर्फ पानी गिर रहा है ऊपर से ऐसा करा रहा है क्या है? हाँ मतलब पानी पड़ते में करा रहे थे, हमारे ऊपर भी पानी आ रहा था, हमारे उसमें ग्राउंड में जूते टपक रहे थे, पूरे पूरे कपड़े भी खराब हुए थे, और पानी पड़ते भी लाल लगा, मतलब खुद तो छाता ले खड़े हो, बच्चों को फेंक दिए पानी में। अच्छा इतना बड़ा टेस्ट चल रहा है और ऐसी व्यवस्था भी नहीं करी कि बच्चे छाया में बैठ सके, नहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ भीगते जाओ और भीगते आ जाओ। मतलब ऐसे वो कह देते हैं, मतलब पहले से उसमें बैठे थे हॉल से, मतलब ऐसे कह देते हैं वहां से ऑर्डर आया था कि एक बैच ले आओ, फिर वो जब बैच को लेकर जाते हैं तो ये तक पानी पड़ी है कुछ भी पड़े, फिर तो बच्चे भीगे हैं कुछ भी पड़े। अच्छा जहां पे टेस्ट चलता है मतलब कि जो सब्जी कटिंग आटा कटिंग करते हो वहां पे छाया है कि नहीं कि आप लोग डायरेक्ट पानी गिर रहा है वहां पे कर रहे हो? नहीं सर ऐसे तो ऊपर कुछ त्रिपाल है, हाँ मतलब उनका वो लगा, पर वो क्या है सटीक में ऐसे ऐसे होता है कौन ही टाइप का ऊपर से पानी गिरता है, हम खड़े होते हैं तो वहां पर ही गिरता है पानी, अच्छा मतलब हम जहाँ खड़े होते हैं वहां चीज भी हो रही है काफी, मतलब हाँ अच्छा। तो चांद आप जे बताएं आप लोगों से सब्जी बहुत कटवाई गई परेशानी आ तो रही है क्या? बच्चों लोगों को, बच्चों लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, बहुत उदास भी हो रहे हैं। सही बात है, अब लास्ट मोमेंट में जाके ऐसा हो रहा है, अपना 100% दे भी रहे हैं बच्चे, उसके बाद भी सिलेक्ट नहीं हो रहे तो उदासी होगी। कुछ बच्चे तो कह रहे थे कि हमें आज के बाद आती है, मतलब ट्रेड में तो फॉर्म भरेंगे नहीं, ट्रेड में क्या मन की करते हैं सर वो। सही बात है, यहाँ पे क्या है मशीनरी नहीं है, लोगों के मन के ऊपर डिपेंड है तो अपनी मर्जी से खेल रहे और क्या है ना। बात तो हम जानते हैं सर कि बच्चे कम थे, चलो ठीक मतलब जगह कम थी तो ना, या तो पहले ही बच्चे कम पास करने चाहिए थे या फिजिकल भी टैग लगाना चाहिए थे थोड़ा बहुत, जी सही है। और यहाँ पे बच्चों को 6 महीने का गैप मिल जाता है, और सर पता मैं तो MP मुरैना से, मेरे कम से कम मेरे साथ में भाई गया था और कम से कम 5,000 रुपये खर्चे हुए, पहले गया था फिजिकल देने तब भी 5,000 खर्चे हुए थे, और मतलब 10-15,000 रुपये खर्चे करवा दिए। अच्छा आपने ग्रुप सी से डाला था इसलिए आपको इतनी दूर मिला, नहीं तो MP वालों को तो ग्रुप बी महाराष्ट्र में मिला था रोड। किराए अच्छा हाँ से थोड़ी थोड़ा बहुत पड़ा, 500 वो खर्चा तो होता है और समय की बर्बादी होती है, पहले फिजिकल की तैयारी करी फिर ट्रेड की करी सर, और फिर और सर पहली बात मुझे तो ये लग रहा है कि अगर वो पास की कर देती ना हाँ तो शायद उसमें नंबर नहीं आ ला पाते, लिस्ट छुटती है क्योंकि पास सर 8 नंबर से 7 माना है, तो कम से बताइए। कम बच्चे इतना लो तो कुछ कर देगी, 8 नंबर ला सकते उसमें, हाँ हाँ सही है। क्योंकि एक बात है चेक करने बार बार उसमें देखते हैं कि ये मतलब वो बोलते हैं ABC, मतलब सी में सभा फैल कर देते हैं, मतलब नंबर लिखनी A+ ऐसे करके बोलते हैं वो आपस में लिखते जाते हैं, तो सर अगर 3-3 नंबर ही दे रहे हो तो 9वें यानी मतलब पास कर रहे हो तो यानी मतलब लड़के मैरिज में भी नहीं आएंगे फिर, अगर वो पास भी कर रहे हैं जिन लोगों को, हाँ हाँ क्योंकि 40 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, 9 नंबर तो बहुत कम है मैरिज के लिए, तो सही है बहुत कम है। अच्छा चांद जी आप जो बताइए जो सब्जियां थी वो चेंज थी कि बोई थी पहली जैसी? पर एक पता नहीं क्या था, मेरी भी समझ में नहीं आया, मैं भी कंफ्यूज था, मैं ये कंफ्यूज था कि उसको छील के बना दे, फिर भी मैंने तो छील के काट दिया था कि वो छीन मिला क्या उसमें, अच्छा क्या था वो? आलू का परवल का लौकी और एक चीज और जिसका नाम मुझे पता क्या था।
अच्छा, लंबा था पर पता नहीं क्या था। परवल परवल तो नहीं था? परवल इधर और लौकी थी, आलू थी, और एक और बता सकते क्या है। तुरई अच्छा, तोराई। नहीं थी, तरह को तो जानने में कुछ अटक ही था। मैंने अच्छा और भी लोगों से पूछा इसका नाम क्या था, किसी ने बताया ही नहीं था यार, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताइए चांद की जो आपका सलाद का टेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या मिला था? सलाद में मुझे मिला था एक तरबूज, होते नहीं सर तरबूज, हाँ, तरबूज। हाँ तरबूज थी, और टमाटर था, खीरा था, और मिर्ची थी सर। अच्छा, तरबूज इस सीजन में भी मिल रहा है वहां पे? चलिए, अच्छा है। हाँ, अच्छा, तो चांद आप जी बताइए, जो बच्चे जाते हैं उनसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं? अब जो जा ही रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस है, अब जो नहीं जा रहा है उनके लिए तो कुछ नहीं। जाएं तो कुछ एक रुमाल या कपड़ा लेके जाएं, इससे हाँ, क्या है वो क्योंकि साफ तो करते नहीं, क्योंकि एक हालांकि वो कपड़ा रखते हैं एक, क्योंकि वो पहले से ही बच्ची कर करके वो गीला रख देते हैं, और आटा उससे चिपका होता है, तो वो अपने कपड़े से क्या है चकरी को साफ कर लें और गिलना को भी साफ कर लें अच्छी तरीके से। हाँ, सही। कल पता उन्होंने क्या किया, तो मतलब तीनों चीजें एक साथ करवाए थे, इसलिए मतलब सलाद कटे गया तुरंत तो ना सीटी हो जाती कि सब्जी काटो, तुरंत तो ना सीटी हो जाती आठ लाख, मतलब सलाद को भी बगल में रख पाते तो ना, तो बच्चे कंफ्यूजिंग बहुत कर हाँ, रहे थे प्रॉब्लम। एक साथ रख, पहले ही उन्होंने एक साथ रख दिया तीनों चीज, हाँ, पहले तो जी के सलाद कटे आता था दूसरे काउंटर पे ले आते थे, फिर सब्जी के लिए, फिर आटे के लिए, मतलब जो भी करते थे पहले, बस कल तो रख तीनों एक साथ रखे, उन्होंने गड़बड़ कर दिया था। हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने तो बोल। हालांकि सर सलाद बढ़िया काटा और सब्जी भी बढ़िया काटी थी, बस रोटी में क्या वो गीला था पहले से, और सर इतना बड़ा चम्मच देते जितना मैंने हम नहाते हैं ना पानी में, ऐसा हाँ, तो टप टप था, और उसमें एक चमचा वो दे दिया उन्होंने आटा, और तुम सर ये बताओ एक चमचा आटा उसमें पलोदन के लिए भी तो हमने निकाल दिया, हाँ अब उसमें पानी डाले तो पहले पूरे में फैल गया, उसे काटक समेटे उसमें पूरे उस डब्बों में, अच्छा, आपने और ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया होगा पानी, नहीं तो आटा जितना था उसमें डालना चाहिए था पानी। नहीं सर बड़ा जो तसला होता नहीं तसला प्लास्टिक वाला बड़ा तसला था, हाँ, हाँ सर बड़ा वाला था, बड़ा था, और उसमें बीच में थोड़ा रख दिया, थोड़ा ऐसे हाथ लगाया तो पूरी में फैल गया, उसको समेटने में टाइम लग गया। वो आपने आटा आटा गूंथने की टेक्निक नहीं देखी होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आटे में बीच में सर्कल बना लेते हैं और फिर और उसमें सर पानी भरते हैं। हमने जो प्रैक्टिस की थी ना वो घर का आटा नॉर्मल वैसा होता है जो वो वहां का आटा है बारीक पिसा हुआ था, क्योंकि बारीक आटे और इसमें गुदाई में फर्क है सर। हाँ, कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं कि वहां पे कुछ मिक्स है, ऐसा मैदा जैसा समझ में आता हाँ है। मैदा मैदा समझ लो, मैदा ही लग रहा था मुझे, मैं सर हाथ में ही ऐसे चिकना हो रहा था, मतलब पानी डालते ही उंगली से चिपक गया था पूरा आटा। भाई, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था बना रखी है कि कैंडिडेट को कैसे फेल करना है। हेलो, क्या गाड़ी आ गई आपकी? गाड़ी में ही बैठा था। अच्छा, हाँ, तो फिर जो बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए एडवाइस दे दीजिए लास्ट में, जल्दी जल्दी। मैं एडवाइस यही देना चाहता हूँ कि घर से या बाहर से कोई रुमाल लेके जाए अच्छा सा, मतलब जो वो खुद सफा कर सके, हाँ, और वो जो है वो उनको टास्क देते हैं तो पहले ही उस तरीके से व्यवस्था बनाने का, सलाद काट के हमें तुरंत इधर को करना है और सब्जी को इधर करना है काट के, वो गंदे बच्चे लोग तो गंदे पता सब्जी और सलाद को मिक्स कर देते हैं, वो एकदम हटाते हैं, वो जो जेंटर में आया था तो वो कहते हैं जी क्या है सलाद है कि मिक्स से पता ही नहीं चल रहा है, नहीं, जो ना समझ बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं तो समझदार ऐसा नहीं कर सकते कि एक सबको मिला दिया। सर वो क्या है जब जल्दी में सब कुछ होता है ना तो सर वो दिमाग में नहीं रहता सर, जब जल्दी जल्दी एकदम बोलते हैं तो, क्योंकि उनका तसला होता है जो आटे में बड़ा होता है सर, वो उठाना पड़ता है सब्जी और सलाद को सरकाना पड़ता है सर बगल, हाँ, इसलिए अच्छा, कपड़ा जल्दी लेके जाए रुमाल वगैरह कुछ भी, इससे क्या वो साफ कर लें, बस हाँ, चलिए चांद यही कह जी। रहा हाँ, था। अच्छा, ओके, तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी शेयर की दोस्तों के लिए और हमारे लिए।
सर हमारा तो हुआ नहीं, पर जिनका किस्मत चाहे हो जाए हम तो ये चाह रहे हैं सर। अच्छा,